सागर में होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में सिविल डिफेंस की कार्यशाला की गई। इसमें सिविल वॉलंटियर आपदा प्रबंधन का परीक्षण किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला और आपदा प्रबंधन के एडीजी डीपी गुप्ता, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनिल तिवारी और होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष शर्मा ने किया। कार्यक्रम में जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र से दो दो वॉलंटियर बनाए गए हैं, जिनको प्रशिक्षित किया गया है। कमिश्नर शुक्ला ने बताया कि किसी आपदा के आने पर हम प्रशासन के सहयोग से, हुनरमंद और आम लोगों के सहयोग से कैसे उस आपदा से निपट सकते हैं और इसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसके बारे में जानकारी दी गई। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरेश की रिपोर्ट। सहयोग से आपदा प्रबंधन पर एक वर्कशॉप है कि कैसे किसी आपदा के आने पर हम प्रशासन के सहयोग से, हुनरमंद लोगों के सहयोग से, नागरिकों के सहयोग से किसी आपदा से हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे उससे पार पा सकते हैं, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। इन सभी पर एक समेकित रूप से एक वर्कशॉप में यहाँ आयोजन था। मैं उसके इस प्रथम सत्र जो उद्घाटन सत्र है उसमें आया है था और आज ये दिन भर वर्कशॉप होती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि ये वर्कशॉप थोड़ी सार्थक होगी। होमगार्ड जो अपने सागर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं, उन्होंने निवेदन किया कि स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में एक आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक वर्कशॉप करना चाहते हैं। इस वर्कशॉप में जिले के वॉलंटियर्स जो स्वेच्छा से आपदा राहत के लिए कार्य करेंगे, उन सबको बुला के एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम, एक वर्कशॉप आयोजन करना थी। तो आज वह वर्कशॉप आयोजन का आज प्रथम दिवस, एक ही दिन की वर्कशॉप है, प्रथम सत्र है। इस प्रथम सत्र में श्री मुकेश शुक्ला जी कमिश्नर सागर आए हुए थे और इसमें पूरे ज़िले से वॉलंटियर्स आए हुए हैं और वॉलंटियर्स पूरे दिन भर ट्रेनिंग लेंगे। और जब भी जो आपदा आती है, उस आपदा में प्रत्येक थाना क्षेत्र में दो दो वॉलंटियर्स, प्रत्येक थाना से दो दो वॉलंटियर्स उपलब्ध रहेंगे कि तत्काल आपदा राहत वहाँ पहुँच सके। प्रशासन पहुँचने से पहले लोकल के लोग ही किसी भी आपदा को बचाने के लिए आपदा राहत का कार्य शुरू कर दें, इसलिए यह ट्रेनिंग आयोजित की गई है। और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय पूर्व से ही इस प्रकार के कार्य करता रहा है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट भी है आपदा राहत डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट के सहयोग से यह कार्य चल रहा है। क्योंकि जब भी ऐसी आपदा आती है तो सागर के नज़दीक तो हमारी टीम पहुँच जाती है, लेकिन पूरे ज़िले के अंदर टीम पहुँच पाना उतना आसान नहीं हो पाता। तो अब यह एक अच्छी पहल है शासन की कि शासन प्रत्येक थाना क्षेत्र में अपने अपने वॉलंटियर्स नियुक्त कर देगा और आपदा राहत के लिए तुरंत लोग उपलब्ध हो जाएंगे, आपदा राहत का कार्य तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए है कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर प्रशासन का ये सराहनीय कदम है, हम प्रशासन के इस कदम के साथ हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।